नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबर और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला और शुरुआत बजट सत्र के साथ, क्योंकि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये 31 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक चलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स देंगे हमारे सहयोगी पूजा झा। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ होगी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी और इस बार सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। 6 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा। एक ट्वीट में उन्होंने बताया, बजट सत्र 2023 के संसद का कार्यवाही 31 जनवरी से आरंभ होगी इस बार। इसके साथ ही ये कार्यवाही 6 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी। ये सत्र लगभग 66 दिनों का होगा। अमृतकाल महोत्सव के बीच आयोजित इस सत्र में जोशी ने राष्ट्रपति अभिभाषण, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर सार्थक बहस की उम्मीद जताई है। तो इस बार 66 दिन तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। देखना होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास जनता के लिए सरकार की तरफ से सौगात दी जाती है। कैमरामैन शांकी के साथ मैं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन इस क्रूज का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ टेंट हाउस का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। पीएम मोदी ने आज वाराणसी को डबल तोहफा दिया है। एक तरफ पीएम ने गंगा घाट पर स्थित आलिशान टेंट सिटी का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली सबसे लंबे गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है। गंगा नदी ने प्राचीन काल से तप और तपस्वियों की साक्षी रही है। गंगा को हमें आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्रूज को चलने से यहाँ का लोक लुभावन अंदाज बढ़ेगा और इसके साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गंगा क्षेत्र पहले से काफी पिछड़ा था, जिसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एसटीएफ जैसे जैसे तहकीकात कर रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब आज कौन सा नया खुलासा हो रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। यूके एसएससी की परीक्षाओं की जो पेपर लीक का मामला जब तूल पकड़ा तो सरकार के द्वारा पूरी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी गई। जब लोक सेवा आयोग के द्वारा जहां 8 जनवरी को एक परीक्षा कराई गई लेखपाल की, जिसमें कहीं ना कहीं आज जब अब जो बड़ी एक घोटाला सामने आया है, जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के एक कर्मचारी सहित उसकी पत्नी और उनके साथ साथ 4 अन्य को भी यहां पर गिरफ्तार करके जो पुलिस के द्वारा एसटीएफ के द्वारा यहां पर जो भर्ती घोटाला है यहां पर भी देखने में सामने आया है, जिसके बाद अब जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की एक अलग से एक बात और मिल गई है। तो जिसके चलते आज कांग्रेस के द्वारा लोकसभा आयोग का यहाँ पर घेराव किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें तो लोकसभा आयोग की सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। एसपी सिटी और जो आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए हैं। वहीं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सब एकत्र होने शुरू हो गए हैं और लगातार यहाँ पर लोकसभा आयोग की ओर बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा आयोग के जो कर्मचारी द्वारा जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को तो एक मौका मिला ही है, वहीं सरकार को भी एक चिंता के बादल उसके ऊपर छाए हैं, क्योंकि लोकसभा आयोग के पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। कई परीक्षाएं अभी होनी हैं, 22 को अभी परीक्षा होनी है, उसके बाद कई सारी परीक्षाएं और भी होनी हैं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो लोकसभा आयोग की सुरक्षा और उसकी जो कह सकते हैं कि जो मापदंड हैं उसको एक बार फिर से लोकसभा आयोग के अधिकारियों को मापने की कहीं ना कहीं जदोहद करनी पड़ेगी। इंडिया वाइज के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया।
राजधानी रायपुर समेत तमाम जिलों पर ईडी के अधिकारियों ने रेड की। सुबह से ही ये रेड स्टार्ट हो गई। इसमें कई आईएएस अधिकारियों समेत बड़े उद्योगपति शामिल है जिनके ठिकानों पर ईडी ने ये छापामार कार्रवाई की है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप सा मच गया है। दरअसल ईडी द्वारा आज सुबह 5 बजे एक आईएएस अधिकारी समेत कई कारोबारियों के यहाँ एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी से पूरे छत्तीसगढ़ में एक हड़कंप सा मच गया। दरअसल आपको ये भी बताना आज जरूरी हो गया है कि इसके पहले भी ईडी ने एक आईएएस समेत कई कोल कारोबारियों को ईडी कार्रवाई में आज भी जेल की गिरफ्त में है। उसी सिलसिले में ईडी को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अभी बाहर हैं, जिसे लेकर आज ईडी आज सुबह करीब 5 बजे से एक आईएएस अधिकारी समेत करीब कई कारोबारियों के यहाँ कई जिलों में एक साथ ईडी की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। उनके बंगलों पे कागजातों को ईडी खंगाल रही है। ईडी का मानना है कि कहीं न कहीं कुछ लोग अभी भी खनिज से जुड़े मामले में बाहर उनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। इसी को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कर रही है, जिससे आपको ये भी बताना आज हम जरूरी समझते हैं कि ईडी द्वारा आज जो कार्रवाई कर रही है, छापेमार कार्रवाई हो रही है, इसमें एक आईएएस अधिकारी समेत जो कि पहले खनिज विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थे, उनको लेकर ईडी उनके बंगलों पर कागजातों को खंगाल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के एक पूर्व विधायक हैं, उनके आवास पर भी ईडी कागजातों की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ कई जिलों में कारोबारियों के यहाँ ईडी की लगातार कार्रवाई अभी जारी है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। उधर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नया मोड़ सामने आया है। कौन सा आखिर वो नया मोड़, बता रहे हैं राम जी। का राज केस का जो मुख्य गवाह है सुमित जायसवाल मोदी आज न्यायालय में पेश हुआ, न्यायालय में उसकी पेशी हुई है। वहीं आपको बताते चल 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक तिकुनिया में एक बड़ी हिंसा हुई थी। हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 4 जो और मृत्यु हुई थी, एक पत्रकार सहित 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहीं आपको बताते सुमित जायसवाल मोदी वही है जो थार गाड़ी से निकलते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था। आपको बताते चले कि सुमित जायसवाल मोदी की तरफ से एक FIR तिकुनिया कोतवाली में लॉन्च कराई गई थी। वो FIR में जो साजिश करता है, जो किसान पक्ष के लोग हैं उनको लिखाया गया था, उसी केस को लेकर आज न्यायालय में पेशी हुई है। न्यायालय में पेशी के दौरान सुमित जायसवाल मोदी की सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में न्यायालय लाया गया। वहाँ पर न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेशी हुई। पेशी के दौरान जो उसका जो गवाह है, गवाही के रूप में उसका जो भी गवाही लिखी गई है, वहीं जिस तरीके से सुमित जायसवाल मोदी की तरफ से जो क्रॉस केस लिखाया गया था, उस केस का मुख्य गवाह है। इंडिया वॉइस से लखीमपुर से रामजी सिंह। उधर कंजावला केस में लापरवाही बरतने वाले 10 से 11 पुलिस अधिकारियों पर गाजगिरी है, बता रही हमारे सहयोगी पूजा। दिल्ली का कंजावला केस तो आपको याद होगा, वही कंजावला केस जिसमें नए साल के जश्न में खोए युवकों ने, कार सवार युवकों ने एक युवती को कई किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटा था, जिसके बाद युवती की दर्दनाक मौत हो गई। इसी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 11 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। अब उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। दिल्ली के कंजावला मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में 6 PCR की ड्यूटी में तैनात थे, 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे। स्पेशल CP शालिनी सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट में इनको दोषी पाया था। गृह मंत्रालय ने इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए कहा था। FIR में हत्या की धारा 302 जोड़ने के लिए कहा गया था। साथ ही DCP को कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा गया था। DC की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। तो कंजावला केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। साथ ही दिल्ली सरकार को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मामले को दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं। उधर इसरो ने जोशीमठ को लेकर कुछ नए खुलासे किए हैं। कौन से वो नए खुलासे हैं बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। जोशीमठ में इसरो ने किया बड़ा खुलासा। 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धसी जमीन। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से इसरो ने सैटेलाइट के द्वारा एक तस्वीर भी जारी किया उसमें साफ साफ यही दिखाया जा रहा है कि 12 दिन के अंदर 5.4 सेंटीमीटर जमीन जो है जोशीमठ के अंदर धसी है। वहीं आपको इस तरीके की जो तस्वीरें सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई थी तो उसको देख के एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा सामने आया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिन में 5.74 सेंटीमीटर जमीन धस गई है। वहीं अप्रैल ने नवंबर 2022 के बीच जमीन धसने की दर बहुत कम थी। इस दौरान जोशीमठ ने 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन इसरो ने जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इससे की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धस गई है। इसरो ने जोशीमठ के सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ में जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। रिपोर्ट करने का में कहा है कि यह घटना 2 जनवरी 2022 से शुरू हुई है। जिस तरीके का एक बड़ा खुलासा इसरो ने किया जोशीमठ में अब तक जो है 12 दिन के अंदर 5.4 सेंटीमीटर जमीन धस गई तो उसको देखते हुए सैटेलाइट में जब तस्वीरें वायरल होने लगी तो उसको देखते हुए जोशीमठ में जो है आनन फानन में तमाम जो अधिकारी थे मौके पर पहुंचे और जायजा करने लगे। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी इंडिया वॉइस। कानपुर कमिश्नरेट का ककवन थाना क्षेत्र आए दिन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहता है और ऐसे में दोबारा फिर से सुर्खियों में आया जहां पर दोहरे हत्याकांड को लेकर सनसनी फैल गई है। पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर में डकैतों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। बीती रात बता दें कि जो डकैत थे वो एक घर के अंदर घुस गए थे जहां पर उन्होंने डकैती से पहले जो बुजुर्ग दंपत्ति थी उसकी हत्या की। वहीं पर मौजूद जो उनकी बहू थी उसी कनपट्टी पे तमंचा लगाकर वहां पर डकैती डाली और लगभग वहां से 10 से 15 लाख रुपए कैश और वहां से ज्वेलरी लेकर चले गए। हालाँकि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दे रहे थे इस वक्त जो बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा था वो खेतों में काम करने गया हुआ था। इसी दौरान इन लोगों जो डकैत थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह तड़के पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई जिसके बाद मौके पर ककवन थाना पुलिस इसके अलावा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना यह भी है कि उनके हाथ कुछ ऐसे साक्ष्य लगे हैं जिसके जरिए जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वारदात से जो कहीं जो कानपुर है वो सहमा हुआ है क्योंकि एक बड़ी वारदात है, डबल मर्डर है और एक डकैती घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, कई टीमें लगी हुई है और जो DCP विजय ढुल है उनका कहना है कि जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद उधर। JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुग्राम में मेदांता आपकी जगह फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली फोर्टिस अस्पताल में और इसको लेकर उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। खबर पर अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी नितिन। पूर्व केंद्र मंत्री और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का कल देर रात मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। जैसे निधन की खबर सुनी तो उसकी सबसे पहले उनकी बेटी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। जानकारी देने के बाद तुरंत उनको ट्वीट करके तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया रखने स्टार्ट कर दी। वहीं आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि दी, उनके पार्थिव शरीर को जाके वहाँ के उनके छतरपुर आवास पार्थिव शरीर पर जो है श्रद्धांजलि दी। वहीं साथ ही आपको बता दें राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं तमाम UP की बात की जाए तो UP में भी योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अखिलेश यादव ने भी उन्हें जो है श्रद्धांजलि दी। जिस तरीके से शरद यादव एक केंद्रीय में मंत्री थे और समाजवादी नेता थे तो सभी लोगों को जुड़े हुए नेता थे और साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के मसीहा और तमाम
चेहरों को लेकर वो साथ लेकर चलते थे। जिस तरीके से निधन की खबर सुनते ही तमाम लोगों को जो है शोक की लहर पहले हो गई। उसी के बाद जैसे उनकी जो उनकी सबसे पहले बेटी ने ट्वीट किया, बेटी के ट्वीट करने के बाद तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज अमित शाह जो है उनके आवास पर छतरपुर आवास पर जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद वहाँ उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बिहार के पूर्वी चंपारण में मकर संक्रांति त्यौहार से पहले ही बाजारों में भीड़ दिखना शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। आज बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर आज पूरे हर जगह चौक चौराहे पर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलकर हर चौक चौराहे पर अपनी मकर संक्रांति मनाने के लिए घर से निकलकर सामान खरीदने के लिए। मैं बता दूं कि मकर संक्रांति 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रहता है। जो हिंदू धर्म के मुताबिक इस एक महीने के अंदर कोई शुभ काम हिंदू नहीं करते हैं। जो 14 जनवरी को समाप्त होता है वो इसको लेकर बाजार में भीड़ पड़ी हुई है। आपको मैं बता रहा हूँ लोग तिल का लाई और चूड़ा का लाई खाकर और दही चूड़ा खाकर इस पर्व को मनाते हैं। बाजारों में भीड़ देखने को मिल रहा है। आइए मैं आपको बाजारों के लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार। इधर सुल्तानपुर में बंधन बैंक में काम करने वाले कर्मी से हुई लूट पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, बता रहे हमारे सहयोगी। लूट की घटना को अंजाम देने वाले सातिर लुटेरे आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि कूड़ेभाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधन बैंक में काम करने वाले जयकरण समूह का पैसा इकट्ठा करके गांव से वापस लौट रहे थे। पहले से घात लगा कर बैठे कुछ लुटेरे ने उनसे बंदूक की नोक पर 23,200 रुपये लैपटॉप लूट लिए। आपको बता दें कूड़ेभाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मौके का तत्काल निरीक्षण किया और टीम का गठन किया। स्वाट टीम ने थाना प्रभारी और सर्विलांस की टीम ने मिलकर अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को अरेस्ट किया। लोगों से पूछताछ में गांव का ही एक मुखबिर भी पकड़ा गया। आपको बता दें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे 13,800 रुपये, एक पिस्टल, एक कट्टा और एक लैपटॉप बरामद हुआ है, जबकि एक व्यक्ति अभी फरार है। अब देखना होगा पुलिस कितनी तत्परता से एक व्यक्ति को, एक अपराधी को ढूंढने में कामयाब होती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। उधर रायबरेली में सड़क हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। सड़क सुरक्षा माह और बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। आपको बता दें बीती रात रायबरेली जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है और होटल संचालक, ढाबा संचालक, पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस देते हुए कहा है कि अगर अवैध रूप से रोड के किनारे पार्किंग की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यवाही के बाद अवैध रूप से पार्किंग करने वाले लोगों पर क्या कार्यवाही होगी और किस तरह से लोगों का मनमाना रवैया बंद होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीती रात सीओ सिटी वंदना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के अनेक स्थलों पर जाकर लोगों को हिदायत देते हुए नोटिस दी है और कहा है कि अगर इस तरह के मनमाने रवैये पर अंकुश नहीं लगा तो वो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अवैध पार्किंग करने वालों पर क्या फर्क पड़ता है इस कार्यवाही के बाद, या वो उसी तरह से अवैध पार्किंग करते रहेंगे। घने कोहरे में लगातार मार्ग दुर्घटनाओं का सितम देखने को मिल रहा है। गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच मार्ग पर बीते दिनों एक मार्ग दुर्घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 लोग अभी भी जिंदगी व मौत से जूझ रहे हैं।
जिसको लेकर ये बड़ा कदम देखने को मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली जिला प्रशासन की इन कार्यवाही के बाद किस तरह से इन मनमाने जो इस तरह से अवैध रूप से पार्किंग करते हैं, इन पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वाइस, रायबरेली। उधर यूपी के बदायूं में नकली डीएसओ बनकर कोटेद्वारा से ठगी का मामला सामने आया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के थाना अलापुर क्षेत्र से एक और खबर निकल के आई। आपको बता दें कि इकरी गांव क्षेत्र में वहां पर एक डीएफओ बनकर फर्जी आदमी गया था, जिसने वहां के कोटेदारों से 5,000 रुपए की वसूली की है। वहीं कोटेदारों किसी तरीके से इस बात की जानकारी हुई कि ये फर्जी तरीके से उनसे 5,000 रुपए की ठगी की गई है, जिसके बाद उन लोगों ने अलापुर थाना क्षेत्र पर पहुंचकर अपनी अपनी एप्लीकेशनें दी हैं और उस आरोपी जो ठग है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस ठग के लिए पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर क्या किया जा सकता है, जिससे कि ये लोग पुलिस और कानून के डर से इस तरीके की घिनौना कृत्य ना करें। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बुलंदशहर में ज्वेलरी की दुकान में शटर काटकर चोर दुकान के अंदर घुसे और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी। बुलंदशहर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बुलंदशहर के ककोड़ में सुनार के यहां पर शटर तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं, ककोड़ थाना क्षेत्र में लगातार चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले दिनों 6 दुकानों के ताले तोड़े गए और आज फिर 2 सुनारों की दुकान पर शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पड़ोसी के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। वहीं दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी है। आपको बता दूं कि ककोर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं थाना पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द चोरी की घटना में आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक महिला अधिकारी से ग्राम पंचायत अधिकारी को अश्लील बातें करना महंगा पड़ गया, बता रहे हमारे सहयोगी। हम आपको बताते चलें कि एक महिला से अश्लीलता बातें करना ग्राम पंचायत के लिए भारी पड़ गया। पूरा मामला जनपद संभल के बनियाखेड़ा का है। यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने सहायक महिला पंचायत अधिकारी से अश्लीलता बातें करते थे और 6 महीने से उसे परेशान करते थे। इसी को लेकर महिला ने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया था। उसी संभल डीएम मनीष बंसल से इस मामले में शिकायत की और शिकायत करने पर एक मनीष बंसल जी ने डीएम गठित कर जांच बैठाई, तो उसमें बताया गया कि जिस पर आरोप लगे हैं वो आरोप सत्य पाए गए हैं। इसी को लेकर के जब बात की गई तो उन्हें कई बार नोटिस भेजा, नोटिस का जवाब नहीं देने पर उन्हें कई बार बुलाया गया, लेकिन नहीं माने और अश्लीलता हरकतें करते रहे महिला से। महिला ने कई बार समझाया, उनके परिवार वालों ने समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। तभी मनीष बंसल ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए जनपद संभल के बनियाखेड़ा में जिस तरीके से महेश पंचायत अधिकारी हैं और पहले असमोली में थे, असमोली में आने के बाद में वो बनियाखेड़ा ब्लॉक में पहुंचने के बाद में भी महिला को परेशान करते रहे। इसी को लेकर जब महिला ने कई बार शिकायत की लेकिन नहीं माने तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। उधर बदायूं के ककराला में 9 दिसंबर को हुए बवाल के बाद आखिर पुलिस ने किस तरह का एक्शन लिया, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। आपको बता दें कि बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के जो ककराला है वहां पर जो पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन पत्थरबाजों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि उसमें 4 लोग जो बंद हैं उनके खिलाफ रास्कवा की कार्रवाई की गई है, वहीं और 18 लोगों के खिलाफ रास्कवा की कार्रवाई और करने की बात की जा रही है। आपको बता दें ये पूरा मामला गाड़ी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोकने पर पुलिस के साथ पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आकर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। इधर जालौन के अंदर अज्ञात बाइक सवारों ने 3 सफाई कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया, बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। जालौन में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक जालौन में आज बड़ी घटना सामने आई है, जहां सचिवालय के अंदर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी को 3 बाइक सवार बदमाशों ने उसकी हॉकियों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं जब दूसरा
सफाई कर्मचारी उसको बचाने पहुंचा तो हमलावरों ने उसको भी मरणासन्न हालत में वहीं सचिवालय के अंदर ताला बंद कर चाबी छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं जहां सफाई कर्मचारी की दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा की गई निर्मम हत्या की सूचना जैसे ही ग्राम प्रधान व आला अधिकारियों को लगी तो मौके पर पहुंचे आला अधिकारी व ग्राम प्रधान के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सफाई कर्मचारी के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दूसरे घायल सफाई कर्मचारी को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं यह पूरा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम संधी का है जहां संधी में दिन दहाड़े तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक सफाई कर्मचारी की सचिवालय के अंदर निर्मम हत्या कर उसके शव को सचिवालय के सभा कक्ष में बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं जहां दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों के द्वारा की गई इस घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव और लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की हाट और उसके बाद टारगेट किलिंग को देखते हुए आज अमित शाह गृहमंत्री ने आज वहां पर उच्च स्तर की बैठक की थी। बैठक में तमाम उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे उठाए थे, सुरक्षा व्यवस्था की भी बात वहां पर की थी। जिस तरीके से अमित शाह गृह आज पहुंचे थे जम्मू कश्मीर तो उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की थी, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा किया था। वहीं साथ ही आज उन्होंने तमाम मुद्दों पर बैठक की थी। बैठक करने के बाद जैसे ही सुरक्षा की बात की जाती है, सुरक्षा की बात में जो है उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नए साल के दिन आतंकी हमला किया गया था तो उस पर जो है अमित शाह ने आज एक बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में यहां पर बैठक की गई थी और तैयारियों का जायजा लिया। गृहमंत्री का यह दौरा इसलिए भी खास क्योंकि कुछ दिन पहले नए साल के मौके पर राजौरी में आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आतंकी हमले के बाद अमित शाह का यह दौरा पहले से ही तय हो चुका था जिसमें बताया गया था कि गृहमंत्री राजौरी हमले के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे और सुरक्षा को लेकर अहम बैठक लेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। अमित शाह सवेरे राजौरी पहुंचे जहां से वो डागोरी गांव के लिए रवाना हुए थे। यह शाह ने आतंकी हमले के जान गंवाने वाले लोगों से और परिवार से सदस्यों से भी मुलाकात की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने राजौरी के अम्पर डागरे में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के से बात की और बात करते हुए इन्होंने परिवार वालों से कहा कि परिवार अमित शाह के सामने सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा और कि यह कि गंगा की डागोरी समेत यहां पर संवेदनशील इलाके से सेना के तैनात कर दिया जाएगा जिससे अमित शाह ने मान लिया है कि इसके साथ इन इलाकों में ग्राम सुरक्षा समिति के सख्त करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि आज गृहमंत्री अमित शाह ने डागोरी के राजौर में जाकर जहां आतंकी हमला हुआ था आतंकी हमले में जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद जैसे ही वहां पर उन परिवारों से मिले तो परिवारों ने साफ साफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही थी कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए तो उसमें जो तमाम वहां के जो अधिकारी हैं उनको जो जायजा भी लिया गया और उनसे बैठक भी की गई थी। बैठक करने के बाद ही तुरंत अमित शाह एक्शन में आते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो तैनाती यहाँ पर जो सेना के जवान हैं उन्हें पूरी तरीके से तैनात कर दिया जाएगा, बॉर्डरों पर तैनाती की जाएगी कि आतंकी हमला एक बार फिर से ना हो पाए। तो उसी को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में तमाम पीड़ित परिवारों से जायजा किया था और जायजा करने के बाद पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ एक्सप्रेस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।